हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, वो है स्केल्स का इन्फेस्टेशन। जब एरिका पाम में हो जाता है तब आप क्या करें अपने पाम को, हाउ टू सेव इट। इन्फेस्टेशन आपको पता कैसे चलेगा किस चीज का है और डील कैसे करना, ये सब कुछ इस वीडियो में है। स्टे टिल द एंड ऑफ द वीडियो। ये पूरा क्लीन करने का प्रैक्टिकल प्रोसीजर मैं करके दिखाऊंगी। हालांकि ये प्लांट मेरा इन्फेस्टेड नहीं है, मगर मैं पूरे साइन सिम्टम्स ट्रीटमेंट पूरा बताऊंगी। आइए शुरू करते हैं। ये एरिका पाम है और ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है, इंडोर आउटडोर दोनों, इंडोर एयर प्यूरिफायर भी है। आइए शुरू करते हैं। जैसे स्केल्स का जब इन्फेस्टेशन होता है तो क्या होता है, यहाँ पर ना व्हाइट 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 कलर का हो जाता है सारा, चिपका चिपका सा, यहाँ पूरे स्टॉक्स में, यहाँ पर भी, और लीफ में व्हाइट 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 डॉट्स होने लग जाते हैं। और फिर इसके बाद में ये जितनी टेंडर स्टेम स्टॉक्स निकल रही हैं सब मरने लग जाती हैं। और अगर ये ट्रीट ना किया तो ये बाकी में भी फैल जाता है। आपको इन्फेस्टेशन पता कैसे चलेगा स्केल्स का हो चुका है, इसमें ब्राउन से कलर के या ज्यादातर व्हाइट से कलर के कुछ डॉट्स दिखेंगे आपको लीफ पे और स्टॉक पे भी, यहाँ पर साइड में पूरे पे, और कुछ स्टिकी सब्सटेंस भी कई बार निकलता है। और ये निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके सारी लीव्स और प्लांट धीरे धीरे पूरा ख़राब हो जाएगा। और मैं आपको आगे कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी जो प्लांट स्केल से इन्फेस्टेड है। इस अटैक से हम लोग कैसे बचें, कैसे, तो ये जब नर्सरी से लाते हैं सबसे पहली चीज आप जरा देख के लाइए कि यहाँ कुछ व्हाइट तो नहीं है, या लीव्स में कहीं पूरी ग्रीन है, हेल्दी है, व्हाइट व्हाइट डॉट्स तो नहीं है कहीं। शुरू थोड़े से होता है, फिर पूरे में इन्फेस्ट हो जाता है। तो एकदम ग्रीन कलर की होनी चाहिए विदाउट एनी साइंस ऑफ एनी इन्फेस्टेशन। ऐसे ये छोटे से करती हूँ मैं शुरू। अगर इसमें इन्फेस्टेशन है तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ये ऊपर का ये निकाल दिया, अगर आपका इजीली निकल रहा है तब, अगर नहीं निकल रहा तो इसको छोड़ देंगे ऐसी करके। और इसके बाद इसको थोड़ा लिटा देते हैं, लिटा देंगे। लिटाने के बाद क्या करेंगे हम लोग, सिंपल पानी लिया मैंने, थोड़ा सोप डाला है, लिक्विड सोप, एक दो ड्रॉप्स डाल देंगे इसमें। मैंने वैसे डाला हुआ है, इसमें झाग दिख रही होगी आपको ये, हाँ, तो ये थोड़ा सा मैंने सोप डाला है। और अब डाला है मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा, ये डाल दिया। अब अगर आपके पास नीम ऑयल है तो आप नीम ऑयल डाल सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसको थोड़ा घोल लेते हैं। खोलने के बाद इसको अब क्या करेंगे, इसको अच्छे से पूरा क्लीन करेंगे इसको। ये जितना भी एरिया में व्हाइट व्हाइट कलर का लगा हुआ है वो सारा रिमूव करेंगे फिजिकली हाथ से वॉश करके। और ये एक बार में नहीं होगा, इसको आपको दो तीन बार करना पड़ेगा। और ये कोशिश करिए शाम को करें। और ये देखिए, ये पूरी लीव्स को और इसको पूरे को वॉश करेंगे ऐसे करके पूरे को, नीचे से ऊपर, नहीं तो ये लीव्स इसकी खराब हो जाएंगी। ऐसे करके पूरे को क्लीन करेंगे। क्लीन हो गया, एक बार इसको पूरा, ये जो बेकिंग सोडा लिया ये बहुत अच्छा क्लेंजिंग एजेंट होता है। और इसके बाद में ये वॉश हो गया, अब इसको थोड़ी देर रहने देंगे ऐसे ही लेटे हुए ही। और अब इसको सीधा करके हम लोग क्या करेंगे, एक दिन हो गया ये वॉश हो गया एक दिन, अब नेक्स्ट डे क्या करेंगे, दोबारा हम लोग पानी लेंगे और
अब पहले दिन आपने, आपके पास कोई चीज नहीं है मगर आपके पास सोप और मीठा सोडा है, तो आप उससे क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट डे शाम को फिर से अब क्या करेंगे, इसमें दोबारा इसको क्लीन करेंगे। और दोबारा क्लीन करने के लिए क्या करेंगे, ये अगर आपने बायो एंजाइम बनाया, ये भी बहुत अच्छा क्लीनिंग एजेंट होता है, तो अगर है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, एक एक ढक्कन, खाली खाली एक ढक्कन ये डालेंगे इसमें, और ये बहुत ही बढ़िया फ्लोर क्लीनर भी है। और इसको बनने में तीन महीने लगते हैं, मैं इसका लिंक डाल दूंगी, ये मेरा एक वीडियो आप चेक कर सकते हैं। तो इससे आप इसको क्लीन करेंगे, कैसे क्लीन करेंगे, वही तरीका होगा। क्या तरीका होगा, इसको गमले को लिटा देंगे और इसको पूरा वॉश करेंगे, ऐसे पूरा वॉश, नीचे से ये स्केल्स हाथ से निकालेंगे। अगर बहुत ज़्यादा है तो एक पीस ऑफ कॉटन क्लॉथ ले लीजिए और लीव्स के ऊपर भी जितने भी वाइट वाइट स्पॉट्स हैं वो सारे क्लीन करेंगे। अब ये सेकेंड डे क्लीनिंग हो गई आपकी, अब सीधा करके रख देंगे। और अगर आप लेटाएंगे नहीं तो क्या होगा, जितने भी इसमें इन्फेस्टेशन है सारा इसी में चला जाएगा। अब क्या करेंगे, थर्ड डे आपके पास अगर ये नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, अब अगर नहीं है तो आप क्या डाल सकते हैं, आप फिर से पानी लेंगे। अगर आपके पास बड़ा एरिका पाम है तो आप बाल्टी में पानी लीजिए। आप क्या करेंगे, इसमें आप फिर से सेकेंड डे भी सोप डालेंगे, लिक्विड सोप। ये नीम ऑयल में ले आई हूँ, अगर नीम ऑयल है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत थोड़ा कुछ ड्रॉप्स ये डाल देंगे नीम ऑयल के। अब इसमें डालेंगे हम लोग बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं है, बेकिंग सोडा है, थोड़ा सा ये बेकिंग सोडा डाल दिया हमने। अब इसको फिर से लटाएंगे, खोल देंगे, ये पूरा हम लोग ने खोल लिया। अब इसको फिर से लटा देंगे और फिर क्लीन करेंगे। और जब ये कर रहे हैं इवनिंग में करेंगे, और उसके बाद इसको छाए में रखेंगे, सन में नहीं रखेंगे। एरिका पाम वैसे भी थोड़ा शेड लविंग प्लांट है, ये वॉश कर दिया इसको। अब इसको फिर से सीधा कर देंगे, ये 3-4 दिन तक चलेगा काम। और इसके बाद आप क्या करेंगे, जब 3-4 दिन तक थोड़ा क्लीन हो गया इसको, और अगर ज़्यादा इन्फेस्टेशन है तो लगातार हफ्ता भी एक एक दिन दो दो दिन छोड़ छोड़ के कर सकते हैं। अब ये मैंने लिया है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, आपको मिल जाता तो बहुत बढ़िया है। क्या करेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को पानी बाल्टी ये भर के पानी लेंगे और इसमें एक ढक्कन डालेंगे, बस एक ढक्कन डाला। ये डिसइंफेक्टेंट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फिर से इसको लिटाया और फिर से इसको इससे वॉश कर दिया, इससे फिर से इसको वॉश कर दिया और इसको अब रख देंगे। और बाद में क्या करेंगे, आप अगर आपके पास स्प्रे बॉटल है तो बहुत बढ़िया है, स्प्रे बॉटल में आप थोड़ा सा फंगीसाइड डालेंगे, थोड़ा सा, मैंने ये पूरा भर के नहीं लिया है 2 लीटर, मैंने थोड़ा सा पानी लिया है इसीलिए मैं ये थोड़ा ही ले रही हूँ, बस ये इतना लेके इसमें डाल के, ये रेनी सीजन में और एग्रेवेट हो जाती है ये प्रॉब्लम स्केल्स की, बस इसको अब स्प्रे कर देंगे पूरा नीचे से ऊपर तक, पूरा क्लीन कर, क्लीन करने के बाद इसको अच्छे से स्प्रे कर दिया। अब क्या करेंगे, क्लीन करके छोड़ दिया, फंगीसाइड से स्प्रे कर दिया। अब एक आध दिन बाद जब ये ऊपर की लेयर एकदम ड्राई हो जाएगी तो ऊपर की 1 इंच की लेयर मिट्टी की निकाल के चेंज कर देंगे और थोड़ा नई पॉटिंग सॉयल इसमें डाल देंगे,
ताकि अगर कोई इन्फेक्शन इसमें गिर गया हो वो भी क्लीन हो जाए। ये तरीका है क्लीन करने का, इसको स्केल से छुटकारा पाने का। तो आई होप आपको ये वीडियो हाउ टू डील विथ इन्फेस्टेशन ऑफ स्केल्स इन एरिका पाम अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।